न मना रहे हैं। 14 जनवरी सन 2018 और रविवार का दिन है और जी हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को दाती महाराज का नमो नारायण। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। क्या प्रयासों के बावजूद भी रोजगार की प्राप्ति नहीं, या फिर आपकी दुकानें नहीं चली, लाख कोशिशों के बावजूद भी राजनीतिक में सफलता नहीं मिली और समाज या परिवार में अपनी बात नहीं कह पाए, मन में हमेशा डिप्रेशन रहता है और पारिवारिक सदस्यों का साथ नहीं मिले, या फिर आपको अनिमिया की बीमारी, इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आज का गुरु मंत्र नमो नारायण। नमो नारायण मित्रों, कैसे हैं आप? कहीं डरने की जरूरत नहीं, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, बस इन आंखों में देखिए और थोड़ी देर आपके साथ रहूंगा, इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहे। कुछ मित्रों ने कहा दाती महाराज रोजगार मिल जाए उसके लिए उपाय बताए, हम प्रयास बहुत करते हैं लेकिन रोजगार के साधन नहीं है, क्या करें? प्रत्येक बुधवार को रात्रि 8:15 के आसपास 6 इलायची 6 कच्ची हल्दी की गांठ 7 तांबे वाले सिक्के भगवान श्री कृष्ण के श्रीचरणों में अर्पित करें, दूसरे दिन श्री चरणों में से प्रणाम करें 1 हल्दी की गांठ 1 तांबे का सिक्का प्रसाद के रूप में लें, समस्त सामग्री बहते पानी में प्रवाह करें, हल्दी की गांठ और तांबे को सिक्के को पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें, कारोबार में लाभ मिलेगा और रोजगार मिलेगा। ये अद्भुत नुस्खा है भाई, अपना के देख लेना। नमो नारायण। बात करते हैं रविवार की पंचांग की, माघ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, विक्रम सन 2074, रविवार का प्रातकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, थोड़ी देर में धनु राशि में आ जाएंगे। नमो नारायण। अब बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह। 14 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामना। 14 जनवरी आपका जन्मदिन है और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा, पारिवारिक सदस्यों का साथ नहीं मिला, दरिद्रता का जीवन जीने के लिए मजबूर हो, कैरियर परिवार में अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण है और ये उपाय आप जरूर करें। 1, रिश्तों की पवित्रता की कदर करें, वैवाहिक रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है, आप कैरियर कारोबार परिवार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण हर बुधवार को श्रद्धानुसार हरी वस्तुओं का दान कुमारी कन्याओं को करिएगा, 8 साल की कम उम्र कष्ट मिल जाए, रात को सोते समय किसी कपड़े में बांधकर थोड़ी सी सांप रखें और प्रातःकाल बिना किसी से बोले किसी मंदिर में रखा है, 43 दिन ऐसे करके देखिएगा, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नारायण। और अगला कदम सितारों की ओर, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ग्रहनक्षत्रों की दुनिया में क्या कहते हैं आपके ग्रहनक्षत्र, आपके लिए मैं बात करूंगा रविवार के राशिफल की, और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, सूर्य उदय से लेकर दोपहर 3 बजे तक का गोचर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, समय अनुकूल नहीं है, सावधानी रखें, यात्रा का प्रस्ताव विचारणीय होगा, कारोबार की चिंता रहेगी, भौतिक सुख साधनों में कमी रहेगी, निर्मल शंका और विवाद बढ़ सकता है और स्वास्थ्य प्रभावित हो, लेकिन 3 बजे के बाद धीरे धीरे गोचर आपके अनुकूल होगा, संपूर्ण परेशानी से आपको प्रातकाल हनुमान जी की श्री चरणों में 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करिएगा, गरीब को रोटी खिलाएगा, कष्ट का पाएगा, क्या करें? पारिवारिक लोगों को संतुलित रखना, संतोष रखना आज के लिए बहुत जरूरी है, क्या ना करें? सुख के साधनों पर व्यर्थ खर्च ना करें। नमोनयन। और बात करते हैं वृषभ राशि की, वृषभ राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत दे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, किसी सभा और गोष्ठी में जाने का अवसर प्राप्त होगा और वहां आप अपनी बात रखें, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, घर और परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और कार्य सफलता से मन प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहेगा। वृषभ राशि वालों, सुबह से लेकर शाम तक गोचर आपके पक्ष में है और दिन अच्छा बीतेगा, जरूर लाभ उठाएं, क्या करें? आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पूंजी निवेश करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो गोचर अनुकूलता का संकेत दे रहा है, क्या ना करें? बहुत जरूरी है विवादित सौदों में पूंजी निवेश ना करें। और बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि घरेलू जिम्मेदारी को पूर्ण करने में आज आप सफल रहेंगे, कार्यस्थल में सुधार होगा, मन अनुकूल समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्नचित रहेगा, संतान पक्ष सहयोग करेगा, कारोबार में सफलता, धार्मिक कार्य और अनुष्ठान आदि में रुचि बढ़ेगी, संत सानिध्य का सुअवसर मिलेगा,
जिस तरह के घर युगायोग मिथुन राशि वाले परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, सोच सकारात्मक रहेगी और सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लेने से सरकार से लाभ मिलेगा और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। क्या करें, कला के क्षेत्र में कार्य करिए, लाभ मिलेगा। क्या ना करें, गैर कानून ढंग से कोई आज कार्य न करें। मेष वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले रविवार का राहुकाल और रविवार का राहुकाल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक, और राहुकाल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंजनिवेश करना, भूमि भवन वाहन में या कमोडिटी के मार्केट में कोई पैसा लगाना उचित और अनुकूल माना नहीं गया, ये जरा देख लेना भाई। नमन तो मेरी अर्जी है, मर्जी आपकी है, मैं दबाव नहीं देता। नमन बात करते हैं आज की यात्रा की, उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ मानी गई। मेरा कहना है कि जिस तरह की समय है, जिस तरह का साधन परिवर्तन आए, समय और साधनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, इसलिए आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, आज के दिन भगवान सूर्य के पूजा करने के बाद उनके नाम से घी का दीपक जलाई, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें, मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम है। देखो भाई, ये सनातन परंपराएं हैं और इनका पालन करने से भी सहजता मिलती है, तो आप जरूर स्वीकारें। लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर कमजोर नहीं है, जीवन को सहज और सरल बनाती है, इसे अपनाना जरूर चाहिए। नमो नारायण। तो बात करते हैं कर्क राशि। राशि अधिपति चंद्रमा, और जिस तरह के घर योगायोग के समय अनुकूल है, भाग्य आपकी पक्ष में कर्क राशि वाला कर्म की है। कर्क नक्षत्रों की चाल और संपूर्ण सफलता का और लाभ का संकेत देने, व्यवसाय में सफलता मिलेगी, चाहे आप नौकरी में हैं, गैर सरकारी या सरकारी, उन्नति के अवसर जरूर पाए। बहुत बहुत खुश रहेगा आपका जो बॉस है, वो आपसे खुश रहेगा। देश विदेश नए व्यवसाय की योजनाएं बनेगी, ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा, परिजनों के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और शत्रु पराजित होगा। तो सुबह से लेकर शाम तक कर्क राशि वालों, गणनाएं ये संकेत दे रही है कि समय अनुकूल है, सफलताओं से भरा हो, हल्का सा प्रयास सफलता आपका दाम। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, शाम होते होते थोड़ा सा नैतिकता का दामन ढीला मत करना। यदि नैतिकता का दालक थोड़ा सा ढीला हो गया, मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया, तो ये सफलता असफलता में भी बदल सकता। नमन क्या करें, गोचर ये कह रहा है कि कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा और प्रयास करिए, क्योंकि सारा गोचर आपके पक्ष में सफलता में 4 चांद लग जाए। क्या ना करें, व्यर्थ की खरीदारी में पूंजी निवेश ना करें। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि वालों, सुबह से लेकर दोपहर तक का गोचर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। बहुत जरूरी है आज अपनों पर विश्वास करना, क्योंकि भाग्य आपकी पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। आज लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि आज अपनों को आपने साथ नहीं रहेगा, इस समय साथ नहीं दे रहा। अनावश्यक वाद विवाद से परे रहना आवश्यक है, स्वार्थी और चापलूस मित्रों से दूर रहिए, भी आपके लिए मनमुटाव पैदा करेंगे और कार्य में बाधा भी पैदा करेंगे। धन की आवश्यकता है, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद धन की प्राप्ति भी होगी, संपूर्ण बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, कार्य बनेंगे और लाभ भी मिलेगा, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित, छोटा सा होगा। आज कंजकों को गुड़ की रेवड़ियां बांटना आपके लिए शुभ रहेगा, मंगलमय रहेगा। क्या करें, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सतर्क रहें, क्या न करें, परिश्रम से न घबराएं। बात करते हैं कन्या राशि वालों, समय उत्तम है, सितारे पूर्ण सफलता का संकेत दे रहे हैं, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, नवीन लाभ स्रोतों की प्राप्ति होगी, उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा और शुभ समाचार मिलेंगे। क्या करें, जीवन साथी की बात का महत्व करें, क्या ना करें, फिजूल की खर्च ना करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमन कर्क सिंह कन्या की बात करें, तुला वर्ष की धनु की बात करें, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, घर या कार्यालय में टेलीफोन अथवा फैक्स मशीनों को रखने के लिए नियमानुसार उत्तर पश्चिम कोना विशेष उपयुक्त माना गया, क्योंकि उत्तर पश्चिम कोना ऊर्जा संतुलन विकास के लिए उत्तम है, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। भाई जरा देख लेना इसको, ऐसा है तो जरूर उपयोग में लाना, आपको लाभ मिलेगा। और बात करते हैं सुझाव, आज रविवार का दिन है,
सामाजिक मान सम्मान और शीर्ष को पाने के लिए 12 के 12 राशि के लोग नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धानुसार देसी घी से 108 बार मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक कर दीजिएगा, सफलता मिल जाएगी। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। गोचर ये कह रहा है कि आपका मान सम्मान बढ़े, गोचर कह रहा है कि अपनों का साथ मिलेगा, जो गोचर ये भी संकेत रहे कि सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीतिक सफलता मिलेगी और नौकरी में मनो अनुकूल परिवर्तन और प्रमोशन की संभावना। आज बुजुर्गों का परामर्श सहयोग और लाभकारी रहेगा। व्यापार में सूझबूझ से धन लाभ होगा, पर परिवार के साथ मनोरंजन के क्षण मिलेंगे और सारा दिन खुश और सुखी रहेंगे। क्या करें, इच्छित वस्तु खरीदना चाहते तो आज का दिन ठीक है। क्या ना करें, किसी को भी कटु वचन ना बोले। मन में बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज जिस तरह का आप कार्य चलिए, समाज में आपकी साख बढ़ेगी, मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी और सामाजिक और पारिवारिक परेशानी से मुक्त होगी। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा, अध्ययन में रुचि मिलेगी, कारोबार में सफलता, मनोनुकूल धन की प्राप्ति, परिवार का साथ और पैसा भी मिलेगा। सारा दिन वृश्चिक राशि वालों मनोनुकूल है। क्या करें, थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में और रुचि लीजिए, सफलता में चार चांद लगे। क्या न करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। मनो बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों, ग्रह गोचर संकेत दे रहा कि सुबह से लेकर 12 बजे तक थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि सुबह से लेकर 12 बजे तक ग्रहों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं दे रही। भूमि और वाहन आदि के कार्य में उलझ सकते हैं। कार्य व्यवसाय में धन आने से मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता, बिना विचारे कोई समझौता नहीं करे, ऐसा गोचर संकेत। हाँ धनराशि, दोपहर के बाद धीरे धीरे गोचर आपके पक्ष में करवट लेगा, कार्य सफलता मिलेगी, धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा और दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, बुजुर्गों के मशवरे पर ध्यान दें। क्या ना करें, अनावश्यक कारोबारी यात्रा आज ना करें। तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले आज का उपाय और आज के नुस्खे। आज का उपाय, कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज दुकान नहीं चल, रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई और धन को लेकर मन बहुत परेशान है, क्या करूं। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष प्रथम शुक्रवार दिन ये पूजा प्रारंभ करें, लगातार 186 दिन करें। हर रोज नित्य कर्म नियम स्नान उपरांत मां लक्ष्मी के सिंचरण ओम स्वधाकारय नमः इस मंत्र का जाप करते 108 नीले कमल के पुष्प अर्पित करें। आप देखिएगा करके सारे कष्ट, नीले कमल के पुष्प ना मिले तो गुलाब के पुष्प अर्पित करें, सारे कष्ट मिटेंगे। नमनन। और बात करते हैं आज के नुस्खा। यदि एनीमिया की प्रॉब्लम है डॉक्टर को दिखाई तुरंत दवा लीजिए, लेकिन आयुर्वेदिक नुस्खा आज के लिए आपको बहुत बहुत अद्भुत सहयोग करेगा। 100 ग्राम आंवले के रस में 2 ग्राम शहद मिलाकर पानी के साथ पीने से एनीमिया की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। न बना रहे। फिर बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, ग्रह नक्षत्रों की गणना आपके पक्ष में करवट ले रही, सितारों की चाल अनुकूल है। आज कार्य क्षेत्र में आसान कुल सफलता हासिल करने से चारों ओर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और आर्थिक स्थिति खुशहाल रहेगी। परिवार से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी और कारोबारी यात्राओं से धन लाभ होगा। आज कंपटीशन और प्रतियोगिता में सफलता भी प्राप्त करेंगे और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। न मना रहे। क्या करें, थोड़ा सा पारिवारिक मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें, फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाएं, फिजूल खर्ची न करें। न मना रहे। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, गणनाओं की बात कर रहा हूं और गोचर ये संकेत दे रहे कि गणनाएं आपके पक्ष में करवट ले रही। ग्रह गोचर शुभ है, सितारे अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं। शाम पौन ग्रह योगा योग आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं। शुभ समाचार प्राप्त होंगे, आय संबंधी समस्या का समाधान होगा और स्वजनों की ओर से सहयोग मिलेगा और मन प्रफुल्लित रहेगा। आज व्यवसाय की यात्रा भी लाभ प्रसाबित होगी, सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, आज के दिन प्लानिंग थोड़ा सा बनाना, अपनों के साथ बैठकर प्लानिंग से व्यवस्था से काम करेंगे तो और अधिक सफलता मिलेगी। क्या ना करें, किसी को भी किसी के साथ भी दगा नहीं करें आज। नमोनाथ। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। ये ग्रह योगायोग आपके लिए पूर्ण लाभ का संकेत दे रहे हैं। पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक मसले हल होंगे और परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। मीन राशि वालों, आज ग्रह योग ये भी संकेत है कि पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे और चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। आज भूमि भवन वाहन प्राप्ति का सपना पूरा होगा। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
और कार्य में स्थिर सफलता मिलेगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सब ग्रह युग आज आपके लिए क्या करें, अनुकूल अवसर है, इसका लाभ उठाना चाहिए। क्या ना करें, व्यर्थ का तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दे, न मनाएं। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो गणना चक्र आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर को बांटने आता हूं, हथेली में सरसों नहीं उगा और नहीं दावे करता हूं, और नहीं कोई बहुत बड़ा सिद्ध साधक या बहुत बड़ा कोई फकीर, साधारण सा मनुष्य हूं, राष्ट्र से प्यार करता हूं, राष्ट्र मेरा लगाव है और हृदय के भाव बांटने आता हूं, और गलतियों ये तो संभावना है भाई, मनुष्य हूं, गलती कैसे नहीं होगी, दावे नहीं, हां गलती दोबारा नहीं हो इसका भरसक प्रयास करता हूं। इस राष्ट्र का सेवक होने के नाते हर गलती के लिए मैंने क्षमा मांगी आप लोगों से, कोई बात अच्छी लगती है मानिए, और सेकेंड ओपिनियन ये तो अधिकार आपके पास ही सुरक्षित है, मुझे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि हमेशा सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए, मैं जो कहूं वही सही है, मैंने कभी नहीं कहा। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही, अनावश्यक रूप से कार्यों में बाधा आ रही हो, समाज और परिवार में अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, मन हमेशा डिप्रेशन में रहता हो, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी नहीं होती, आज रविवार का दिन आज के दिन भगवान सूर्य की उपासना करने से इन संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिली। अब भगवान सूर्य की उपासना कैसे करें, वो पूजा और वो मंत्र बता रहा हूं। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के उपरांत भगवान सूर्य को 5 लाल पुष्प अर्पित करें। सुदासन में बैठ जाइए, ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए भगवान सूर्य को 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करी, लगातार कुछ दिन करके देखेगा संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। नमन और बात करते हैं रविवार के जीवन मंत्र की, ध्यान रखिएगा और हमें सदा ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि शक्तिशाली से शक्तिशाली मनुष्य भी एक दिन कमजोर होता है, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी गलतियां करता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, वही मनुष्य महान है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। अब समय प्रभु के दर्शनों का है और हर रोज की तरह दर्शनों के लिए इस समय हम चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय सोमवार का राशिफल। प्रयासों के बावजूद भी यदि विवाह संबंधी परेशानियों का निवारण नहीं हो रहा हो तो विवाह संबंधी परेशानियों का निवारण कैसे हो, पूजा और मंत्र। जीवन मंत्र सुझाव देशी नुस्खे उपाय
और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा, वाणी में विश्राम दूं। उससे पहले ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ छूट जाता है मेरा, कि आप पकड़ नहीं पाते या भूल जाते हैं, तो आप YouTube पे जाइए, तो वहां मेरा चैनल है गुरुमंत्र विद दाती महाराज। आप दाती महाराज करेंगे, DAATI दाती महाराज करते ही मेरा चैनल आ जाएगा, वहां सब कुछ आपको मिल। मेरी फेसबुक है शनि शत्रुघ्न मित्र, श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र, या फिर www.shanidham.in पे जाएंगे, मेरी वेबसाइट, सब कुछ आपको मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण।